अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी, मैंने ट्राइंगल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, कॉन्ग्रेंसी मैंने डिफाइन कर दी थी, कॉन्ग्रेंसी के रूल्स मैंने बोले थे, उनमें से मैंने एक दिखाया था, दैट इज हम इससे इस कॉन्ग्रेंसी से हम ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे। मतलब ये दिखानी है मुझे, लेकिन जो इससे पहले मैंने दिखाई ना, दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रेंसी, ये मैंने दिखा दी। अब आज मैं क्या करूंगा, इसी कॉन्ग्रेंसी को आगे लूंगा, मतलब कॉन्ग्रेंसी के रूल को आगे लूंगा, और मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, दैट इज हाउ टू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल्स बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से हम किस तरह ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। जो लिख रहा है ना वो लिखेगा, इफ इन टू ट्राइंगल्स टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, then the triangles are said to be congruent triangles. And the rule is called side angle side congruency. That is SAS congruency rule या SAS congruency. मैंने क्या लिखा है? लिखा है मैंने कि अगर दो triangles होंगे और उन दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स और उन दो साइड्स के बिटवीन जो इंक्लूडिंग एंगल होगा अगर वो बराबर होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, देन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तब हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। दिस इज द रूल या डेफिनेशन ऑफ एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। मतलब इसका क्या है समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने इसको यूज करना है सिमिलैरिटी में। देखो क्या मैंने बोला, अगर मेरे पास दो ट्राइंगल्स होंगे, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया एक और ट्राइंगल पी क्यू आर। सपोज करेंगे दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक। दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। आप सबसे पहले इनको देखेंगे और देखने के बाद आपको यहां से ये पता चलेगा, हाँ ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, लेकिन ये वाला साइड इसके बराबर नहीं है, मतलब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं है। हाँ इसमें एस 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 कॉन्ग्रेंसी यूज नहीं होगी। लेकिन मैंने फिर आपको बोला चलो ये जो एंगल है ना, लेट इट बी दिस एंगल इज 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 70 डिग्री। अब देखिए ए बी साइड हमारा पी क्यू के बराबर है, हाँ बी सी हमारा क्यू आर के बराबर है, लेकिन ए सी हमारा पी आर के इक्वल नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको भी रब कर रहा हूं, अब इसको भी रब कर रहा हूं। अब आप ये याद नहीं रखेंगे दिस इज 6 ना, मुझे नहीं पता ये कितना, मुझे ये भी नहीं पता ये कितना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अब आप देखेंगे पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, ए सी का हमें नहीं पता, पी आर का हमें नहीं पता, मतलब एस 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 रूल इसमें यूज नहीं होगा। अगर एस 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 रूल यूज नहीं ना होगा, ये देखिए फिर ये मत यूज होगा। देखिए इसमें कह रहा है कि साइड एक साइड दूसरे साइड के बराबर होना चाहिए, हाँ ए बी आपको पी क्यू के इक्वल है। अब इसके बाद ये छोड़िए, फिलहाल
एक और साइड दैट इज आपका बी सी क्यू आर के इक्वल है, हाँ आ गया एस और एस, लेकिन इनके बिटवीन एंगल है ए, मतलब एंगल दैट्स इनके बिटवीन ए है एंगल, दैट्स अगर आप देखेंगे इस साइड और इस साइड, ये साइड हो गया ना इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, इनका इंक्लूडिंग, इसका इंक्लूडिंग एंगल ये है और इस ट्रायंगल का इंक्लूडिंग एंगल ये है, मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे ना तो फिर ये ट्रायंगल्स दो आपस में कॉन्ग्रेंट है, और वही यहां पे है, ये एंगल भी 70, ये एंगल भी 70, मतलब इसमें ए भी आ गया पी क्यू के इक्वल, बी सी आ गया क्यू आर के इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड दिस कॉन्ग्रेंसी इज, ये बन गया इसका एक साइड, यहां पे ये साइड, ये बन गया इसका बीच वाला एंगल, यहां पे ये बन गया बीच वाला एंगल, और ये इसका एक और साइड, यहां पे इसका ये वाला एक और साइड, मीन्स कॉन्ग्रेंसी है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। इन दो इक्वल साइड्स को देखिए या इन दो इक्वल साइड्स को देखिए, इनके बिटवीन वाला एंगल है, दैट्स व्हाई दिस कॉन्ग्रेंसी इज कॉल्ड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। हाँ ये दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट है, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्ग्रेंसी इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, किस क्योंकि इसमें दो साइड्स और इनक्लूडिंग एंगल बराबर है। अब अगर आपको पता है ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अब मुझे बोलिए इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आप यह देखेंगे सर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए ना, इसका मतलब ए सी किसके बराबर अब आएगा, पी आर, AC is equal to PR and this is called by CPCT because corresponding parts are congruent triangles. इतना ही नहीं, इसमें ये भी होगा, जितना एंगल A है उतना ही एंगल P होगा, जितना एंगल C है उतना ही एंगल R होगा, ये भी आपका आएगा CPCT, बिकॉज अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं ना तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यही इसका फंडा है, मतलब यही इसका रूल है, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दिस कॉन्ग्रेंसी इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कुछ इस तरह होगा, देखिएगा ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल का नाम है एल, एमएनओ, चलो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 6 सेंटीमीटर, दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, ये भी है हमारा 5 सेंटीमीटर, बट दिस एंगल इज 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, आप सबसे पहले एस 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 को अप्लाई करेंगे, सर उसमें तीनों साइड्स होनी चाहिए लेकिन इसमें एक साइड मिस, इसमें एक साइड मिस, मतलब एस 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 अप्लाई नहीं होगा, एस 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 अप्लाई नहीं होगा। अब मैं इसके बाद एस 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 के बाद आ रहा हूं एस ए एस पे, देखिए सर इसके कुछ आंसर्स है, देखो कैसे इसमें है ना जी के इक्वल टू एम एन, ठीक हाँ ये साइड इसके बराबर है, इसमें है ना के एल इक्वल टू एनओ, हाँ दो साइड्स बराबर हो गए, और इसमें ये भी है एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ओ, लेकिन आपको कौन कौन सा साइड, आपको ये साइड इसके बराबर आ गया ना, ये वाला साइड इसके बराबर आ गया ना, इस साइड और इस साइड को मैंने इस साइड और इस साइड के इक्वल कर दिया, इनका इंक्लूडिंग क्या है, इन दोनों का इंक्लूडिंग एंगल के है, यहां इन दोनों का इंक्लूडिंग कौन है एंगल एन, ये एंगल और ये एंगल जब बराबर होंगे ना तभी कॉन्ग्रेंट आएंगे, लेकिन इस वाले एंगल और इस वाले एंगल से हमें कुछ नहीं है, हमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, लेकिन वो यहां पे दिया ही नहीं है इसने, हमने नहीं पता ये एंगल कितना है, हमने ये नहीं पता ये एंगल कितना है, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, इसमें एस ए एस अप्लाई नहीं होगा और ना ही ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, ये फिलहाल ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, नहीं होंगे कॉन्ग्रेंट।
क्योंकि हाँ इसमें एक एंगल दूसरे के इक्वल है, लेकिन हमें ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, मीन्स इसमें एस ए एस अप्लाई नहीं होगा। एक और देखिए, ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है एस टी यू। वी डब्ल्यू एक्स, ये वाला साइड हमारा 5 सेंटीमीटर, ये वाला साइड हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक, ये वाला साइड हमारा 4 सेंटीमीटर, ये वाला साइड हमारा 4 सेंटीमीटर। इसमें ये वाला एंगल है, लेट दिस एंगल इज 45 और यहां पे हमारा ये वाला एंगल 45 है। मैं आपको पूछ रहा हूं क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है? सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एस 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 मत अप्लाई होगा, एस 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 उसमें अप्लाई होता है जिसमें सारे साइड्स दिए होंगे, लेकिन यहां पे सारे साइड्स इसने नहीं दिए है। ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, ये वाला एब्सेंट है, ये दिया है, ये दिया है, ये वाला एब्सेंट है, मीन्स एस 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 इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो फिर आप कौन सा देखना है? हमें देखना है एस ए एस मत अप्लाई होगा। पहले देखिए सर, ये वाला एंगल इस एंगल के साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, और इनका इंक्लूडिंग देखेंगे सर, इस साइड और इस साइड का इंक्लूडिंग ये है 45, इस साइड और इस साइड का इंक्लूडिंग भी 45 है, मीन्स हाँ ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। नो डाउट फिगर कुछ टेढ़ी है, बट इसमें एस 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 के सारे रूल्स फॉलो होते हैं। दो इक्वल साइड्स का बीच वाला एंगल, दो इक्वल साइड्स का बीच वाला एंगल बराबर है और साइड्स भी बराबर है, मीन्स ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, एब्सोल्युटली ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, हाँ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। अब इस कॉन्ग्रेंसी को कैसे लिखेंगे देखो, पहले चलो मैं इस कॉन्ग्रेंसी को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से आ गया मैं, एस टी लिखा मैंने, एस टी और क्या रह गया, यू, ट्राइंगल एस टी यू इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल टू, ये सीखना है, ये सीखना जरूरी है। मैंने कहां आ गया, मैं आ गया एस टी, एस टी हमारा 5, फिर कहां गया टी यू, मतलब कहां की ओर, 4 की ओर। देखिए पहले 5 की ओर आना है फिर 4 की ओर जाना है, यहां देखिए यहां से नहीं होगा। आप बोलेंगे सर एस वी डब्ल्यू फिर आएंगे वी एक्स, नो, आपको एक लाइन में जाना है, एक लाइन में, जिस पर मैं यहां से गया, मैं गया एस टी टी यू, यहां पे आप क्या करेंगे डब्ल्यू वी वी एक्स, मीन्स डब्ल्यू वी एंड एक्स हो गया। अब देखिए सारे फुलफिल होंगे ना, आपका एस टी 5 है ना, यहां देखिए डब्ल्यू वी भी 5 है, आ गया ना, पहले दो को कंबाइन करो, इन दो के बराबर आना चाहिए। हाँ सर एस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी, एस टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी, जो ऑलरेडी हमें पता है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये देखिए टी यू मत है, हाँ टी यू लास्ट के दो किसके बराबर होना चाहिए, फिर वी एक्स, अब देखो टी यू वी एक्स के बराबर है एग्जैक्टली, और लास्ट वाला हमें नहीं पता, लास्ट वाला हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब इसमें बाकी साइड्स भी बराबर होंगे, बाकी एंगल्स भी बराबर होंगे। आपने देखा ना एस टी वी एक्स के बराबर, टी यू वी इवन एस टी वी डब्ल्यू वी के बराबर, टी यू वी एक्स के बराबर, और फिर लास्ट में खुद आएगा एस यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, ये खुद होगा बाय सीपीसीटी, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस बाय सीपीसीटी। इसके बाद देखिए एंगल एस फिर किसके बराबर होगा, डब्ल्यू, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, टी किसके बराबर होगा, वी, एंगल टी ऑलरेडी हमें वी के बराबर है, यू किसके बराबर होगा, एक्स, मीन्स यू इज इक्वल टू एक्स, बस हो गया, यही करना था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्ग्रेंसी लिखनी आनी चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट आपको ये वाला डिटेक्ट करना आना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं इसी पे दूंगा और आप फिर वीडियो को पॉज करेंगे और फिर खुद लिखेंगे कॉन्ग्रेंसी कैसे लिखनी है।
ठीक है। अब देखिए मैं खुद कह रहा हूं कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में दूंगा, ठीक दिया मैंने। चलो ये हमारा 6 सेंटीमीटर, यहां से हमारा ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा 5 सेंटीमीटर, यहां से ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक। दो आ गए ना। अब इसके बाद मैं इसका नाम लूंगा पी क्यू आर, लेट इट बी ए बी सी। देखो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, इनका बीच वाला एंगल ये, हाँ दिस एंगल इज लेट इट बी 60, यहां से ये वाला एंगल 60, मतलब क्या हो गया सर, आराम से समझ आ गया। 6 इज इक्वल टू 6, 5 इज इक्वल टू 5, इंक्लूडिंग एंगल 60, यहां पे भी इंक्लूडिंग एंगल 60, मीन्स ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। नो डाउट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, और इस कॉन्ग्रेंसी को हम बोलेंगे एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। आएगा ना लिखना, आप इसको कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी, जिस तरह ना 9th में लिखते थे सर, क्यू आर इज इक्वल टू ए बी या बी ए, बोथ से 6 सेंटीमीटर। लिखना जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है। इसके बाद सर पी आर इज इक्वल टू ए सी, हां 5 सेंटीमीटर ईच। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए, मीन्स ट्राइंगल अप लिखेंगे, ट्राइंगल डैश एंड डैश आर कॉन्ग्रेंट, ये नहीं लिखना है पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल टू पी ए बी सी, नो वो गलत है, ये मुझे पता है ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, लेकिन कॉन्ग्रेंसी लिखने का रूल है, मैंने बोला है कॉन्ग्रेंसी लिखने का रूल। अगर आप लिखेंगे ना ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल टू ए बी सी, देखो ये फॉल्ट है ना, देखो ये फॉल्ट है, यानी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है लेकिन नेमिंग हमें करनी आनी चाहिए, नेमिंग जरूरी है। देखो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा पी क्यू किसके बराबर है, ए बी, जरा देखिए पी क्यू है ए बी के बराबर, पी क्यू हमें नहीं पता ए बी 6 है, ये कॉन्ग्रेंसी हमें कह रही है पी क्यू इज इक्वल टू 6, लेकिन हमें तो पी क्यू पता ही नहीं है, मतलब ये कॉन्ग्रेंसी कहां से ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, अब देखिए क्यू आर, क्यू आर हमारा 6 है और बी सी हमें नहीं पता, ये कहां फॉलो होता है, यहां देखिए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल पी हमें नहीं पता, एंगल ए 60, मीन्स ये 60 के बराबर हमें कहां से पता है, मतलब ये कॉन्ग्रेंसी लिखनी ठीक नहीं है। नो डाउट ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है लेकिन रूल ये लिखने का सही नहीं है। अब रूल पास कीजिए और खुद अब देखिए कौन कौन सा रूल, और फिर वो सारी बातें होल्ड होनी चाहिए, पहले दो के बराबर होने चाहिए, लास्ट दो के बराबर होने चाहिए, पहले और लास्ट के बराबर होना चाहिए, पहले एंगल के बराबर, सेकेंड एंगल के बराबर, थर्ड के बराबर, ये आपको लिखना है। देखो आपने पास किया होगा और मैं कंटिन्यू देता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ना, अब आपकी मर्जी, आप यहां से स्टार्ट करो या यहां से, आपकी मर्जी। चलो अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे ना, देखो मैं कहां से 5 से आ गया 6 पे खत्म करूंगा, मतलब यहां से आऊंगा इस तरह, मैं वी बनाऊंगा इस तरह, ये मतलब क्या लिखूंगा मैं, ट्राइंगल पी आर क्यू हो गया, इस कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी आर क्यू, इस ट्राइंगल में जो आप पहले लिखेंगे ना उसमें आपकी मर्जी है, मतलब उसमें आप पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन जिस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है ना वो अब सीरियसली लिखना है। कहां से स्टार्ट मैंने किया, पी से, फिर कहां आया, आर पे जो एंगल 60 के बराबर है, यहां देखिए मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, सी से, फिर कहां पे आऊंगा, ए पे, लास्ट में क्या लिखूंगा, बी, बोलो क्या लिखूंगा, सी ए बी, कोई ऐसा नहीं सिखाएगा, ये मुझे पता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी करते हैं और फिर उनको पता ही नहीं होता है ये भी जरूरी है,
इसलिए ये आप सीरियसली देखेंगे। नाइन्थ में आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए आज आप पढ़ रहे हो। अब देखिए सारी कंडीशंस होल्ड होंगे ना। पहला देखिए सर, पहला है पीआर, फिर मैं लिखूंगा अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खुद बोलेगा पीआर, बोलिए किसके इक्वल है, सी ए। सर पी आर इज इक्वल टू सी ए, देखो पी आर कितना है 5 इज इक्वल टू सी ए, आ गया 5 बराबर आ गया। दूसरा देखिए क्यू आर या आर क्यू, क्यू आर नहीं आर क्यू, इज इक्वल किसके बराबर, ए बी। आप देखिए क्या आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू कितना है 6, क्या ये ए बी के बराबर है, देखिए आप ए बी वो भी है ना 6, आगे ना दूसरा। तीसरा खुद बोलेगा ये, फिर आप देखिए तीसरा क्या है पी क्यू, सर फिर आएगा ना, तो फिर पी क्यू इज इक्वल ये और ये किसके बराबर, सी बी, लेकिन इसको आप क्या लिखेंगे सी बी सी बी, ये गिवन नहीं है लेकिन ये बराबर होंगे बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद हो गया, मुझे फिर बोलिए एंगल पी किसके बराबर होगा, सर एंगल पी होगा एंगल सी के बराबर बिकॉज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। एंगल आर बोलिए किसके बराबर, एंगल आर होगा एंगल ए के बराबर। एंगल क्यू बोलिए, एंगल क्यू होगा एंगल बी के बराबर। बस यही है, ये तरीका है, वो नहीं है ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ए बी सी आंखें बंद करके लिखते हो, वो नहीं है, ये मैथ्स है इसलिए इसमें फिर सारा कुछ प्रूव होना चाहिए। ये तरीका है लिखने का, मीन्स ट्राइंगल्स आपने देखे दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल बराबर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट के बाद आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। यही है आपकी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यही है। ये आपको टेंथ में नहीं लिखना है, इस तरह कुछ टेंथ में नहीं होगा, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन में मुझे कुछ इसी तरह लिखना है, वहां पे मैं बोलूंगा ये ट्राइंगल, जब मैं वहां पे इस तरह बोलूंगा ना कुछ वहां पे दिया होगा दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल देन प्रूव दैट दे आर सिमिलर, वो मैं वहां पे होगा इस तरह ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल टू पी आर क्यू, बोलिए मैं क्या लिखूंगा उस टाइम, मुझे यही चाहिए ए सी होगा फिर इक्वल टू पी आर, पहले दो के बराबर होंगे, और क्या आएगा सी बी किसके बराबर होगा आर क्यू, ठीक। फिर क्या होगा ए बी किसके बराबर होगा पी क्यू, और ये सब कौन से हैं सी बी सी डी, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और फिर वहीं से मैं बोलूंगा बोलिए एंगल ए किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे पी, सी किसके बराबर आर, बी किसके बराबर क्यू, ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये कंडीशन और ये कंडीशनों से सारा कुछ हमें मिलता है, यही कंडीशन सबको बोलती है कि पहले दो साइड यानी ए सी पी आर के बराबर होता है, सी बी आर क्यू के इक्वल होता है, ए बी पी क्यू के बराबर होता है, एंगल ए पी के बराबर, एंगल सी आर के बराबर, एंगल बी क्यू के बराबर होता है। दिस इज योर कॉन्ग्रुएंसी, दो मैंने दिखा दिए, मैंने दिखाया आपको अगर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, मतलब एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बराबर होंगे, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस कॉन्ग्रुएंसी इज कॉल्ड साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अगर साइड्स बराबर है ना तो फिर सीपीसीटी से एंगल्स भी बराबर होंगे, हो गया। दूसरी मैंने आज वाली दिखाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों आपने लिखे होंगे। अब मुझे करना क्या है, अगर ये दो आपको पता है ना तो फिर मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज सिमिलैरिटी, मीन्स आपका सिलेबस। सिमिलैरिटी हम किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी में आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है ना, दैट इज टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। लेकिन सिमिलर को देखिए, इट इज सिमिलर, चलो मैं ट्राइंगल्स लूंगा, जरूरी नहीं है आप सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स पे डिफाइन कीजिए, आप फिगर्स पे डिफाइन कर सकते हो, दो स्क्वायर्स पे कर सकते हो, हाँ सर्कल्स पे डिफाइन कर सकते हो, इसलिए ट्राइंगल्स हमारा है इसलिए मैं ट्राइंगल्स पे ही डिफाइन कर रहा हूं। सिमिलर ट्राइंगल्स देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक जाऊंगा,
मैंने कब बोला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होता है? आपको पता है मैं कब बोलूंगा ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू आर? आपके दिमाग में होगा सर जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सही है, मुझे बोलिए एक्चुअल मतलब क्या है। एक्चुअल मतलब ये है, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे ना, अगर मैं इस ट्राइंगल को उठाऊंगा इस पे छोड़ूंगा, ये दो ट्राइंगल्स फिर नहीं दिखने चाहिए, एक ही दिखना चाहिए, जो मैंने पहले लेक्चर में बोला। इस ट्राइंगल को उठाएंगे इस पे छोड़ेंगे, दो नहीं दिखने चाहिए, एक ही दिखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंसी। इसी को हम कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं कि जब ना एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को होली एंड सोली ऑक्यूपाई करेगा, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी। लेकिन आज मुझे कॉन्ग्रेंसी नहीं है। आप देखिए ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे। इतना ही नहीं, इनका इनकी जो लेंथ है ना वो भी ऑलमोस्ट सेम दिख रही है। अब मैंने बनाने में इधर उधर कर दिया, लेकिन होते ये बराबर है, बराबर होते हैं। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है, फिगर को देखिए, मैंने बड़ा ट्राइंगल बनाया, खुद कह रहा हूं मैं, ए बी सी डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा, और दूसरा मैंने ये बनाया, पी क्यू आर। आप खुद अंदाजा लगाइए क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। क्यों? ये जो इतना बड़ा है, जब मैं इसको यहां से उठाऊंगा इस पे छोड़ूंगा, ये इसके अंदर बैठेगा, इसके साइड्स को बंद नहीं करेगा, इसके एंगल्स को बंद नहीं करेगा। बस ये याद रखिए, कॉन्ग्रेंसी में लेंथ इक्वल होनी चाहिए, बट सिमिलैरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। अब देखिए, अब आपको समझ आएगा, अगर मैं बराबर इसी तरह बनाता ना इस तरह, तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज सिमिलैरिटी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो मैंने बोला ये साइड इसका 6 सेंटीमीटर, ये साइड इसका 3 सेंटीमीटर, ये साइड इसका 8 सेंटीमीटर, ये साइड इसका 4 सेंटीमीटर, ये वाला साइड इसका 10 सेंटीमीटर और ये वाला इसका 5 सेंटीमीटर मैंने दे दिए। अब आपको कॉन्ग्रेंसी का कोई शक होगा ही नहीं। सर कॉन्ग्रेंसी में तो साइड्स इक्वल होते हैं, यहां कहां इक्वल है, मीन्स ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, कन्फर्म है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे के बराबर नहीं है। हाँ, एक जैसे दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे के बराबर नहीं है। मतलब होगा क्या? देखो सुन, अगर मैं आपको बोलूंगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे सिमिलर करने हैं और ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो फिर ध्यान से देखिए, इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इस साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये है। जितना एंगल ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये उतना ही ये, मतलब मैं कंडीशन बोल रहा हूं, आप फिर देखेंगे। देखो सिमिलैरिटी आप कैसे चेक करेंगे, क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं? सबसे पहले अगर आपको साइड्स दिए हैं, जिस तरह इस क्वेश्चन में साइड्स दिए हैं इसने, तो फिर सिमिलैरिटी आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप इस साइड और इस साइड को डिवाइड करेंगे, आप कीजिए डिवाइड, क्या बनेगा? 6/3, 6/3 का रेशियो क्या आएगा? 2। इस साइड और इस साइड को डिवाइड कीजिए, 8/4, रेशियो क्या आएगा? 2। 10/5, रेशियो क्या आ गया? 2। आप देखो इस साइड को जब मैंने इसके साथ डिवाइड किया आंसर 2 आ गया, इसको जब मैंने डिवाइड किया इसके साथ आंसर 2 आ गया, इसको जब मैंने डिवाइड किया इसके साथ आंसर 2 आ गया। मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। जब भी कहीं पे ट्राइंगल्स में क्या होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल,
साइड्स डिवाइड कर रहे हैं इन द सेम रेशियो, इफ द साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो, या इफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। इसकी एक और कंडीशन है इसके बाद, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिए, दैट इज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। दो ट्राइंगल्स को हम तब बोलेंगे दे आर सिमिलर If their corresponding sides divide in the same ratio, इतना ही नहीं है। अब अगर sides ने divide किया ना in the same ratio, एक condition fulfill हो गई। अब इसके angles भी बराबर होने चाहिए, मतलब जितना angle A उतना ही P, जितना B उतना ही Q, जितना C उतना ही R, तभी हम बोलेंगे these two triangles are similar to each other। अब खुद बोलिए similar में क्या होता है? सर सबसे पहले सिमिलर में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ वन ट्राइंगल टू अनदर ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल, मीन्स द साइड्स आर प्रोपोर्शनल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मीन्स अब अगर मैं आपको बोलूंगा डेफिनेशन, आप क्या बोलेंगे? सर टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब जब आप इस साइड को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ डिवाइड करेंगे ना, लास्ट में वैल्यू इक्वल आना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही है सिमिलैरिटी। और इसके बाद इतना ही नहीं, एंगल्स भी बराबर होने चाहिए, मतलब जितना ए उतना ही पी, बी जितना उतना ही क्यू, जितना सी उतना ही आर। हाँ, ये है मतलब सिमिलैरिटी का प्रोसीजर। अब आप सिमिलैरिटी की डेफिनेशन लिखिए और फिर जो होगा ना वो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पढ़ना है। मैं सिमिलैरिटी पे बंद कर रहा हूं, अब मैं बोलूंगा अगले लेक्चर में सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होते हैं, उनको मैं रीजन दूंगा और उसी लेक्चर में मैं थेल्स थ्योरम प्रूव करूंगा जो आपकी 6 मार्क्स वाली थ्योरम आएगी, कंफर्म मैं अगले लेक्चर में प्रूव करूंगा। देखो लिख रहा हूं, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। रेशियो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यह है डेफिनेशन, दैट्स इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, जिसको मैंने लिखा ना डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, आप इसको ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एक बड़ा दूसरा छोटा, हाँ इट इज एस टी यू वी W, X, और मैं खुद बोल रहा हूं ट्रायंगल एस टी यू सिमिलर है ना, कॉन्ग्रेंट का हमें साइन पता है, सिमिलर की साइन ये होती है, बस इतना है। इज सिमिलर ट्रायंगल टू वी W, X, मीन्स ट्रायंगल एस टी यू इज सिमिलर टू वी W, X, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। अब मैं बोलता हूं, बोलो वहां से क्या क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो फिर मुझे बोलिए प्रॉपर्टी। अब क्या बोलेंगे इस टाइम? सर पहले दो जो है ना एस टी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू
means this side divided by this side is equal to TU, TU divided by VX या WX, हाँ, is equal to SU divided by VX. ये है मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, जब आप इस साइड को इसके साथ डिवाइड करेंगे ना, वो वैल्यू आएगा जो वैल्यू आपको इस साइड को इस साइड से डिवाइड करने से मिलेगा, वही वैल्यू आएगा जब आप इस साइड को इस साइड के साथ डिवाइड करेंगे. मीन्स द साइड्स आर इन सेम रेशियो या साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो. मीन्स इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन ST डिवाइड बाय VX इज इक्वल TU डिवाइडेड बाय WX इज इक्वल SU डिवाइडेड बाय VX. बस यही है मतलब. और इतना ही नहीं, एंगल S होगा इक्वल टू एंगल V, एंगल T होगा इक्वल टू एंगल W, एंगल U होगा इक्वल टू एंगल X. बिकॉज व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल डिवाइड इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल. ये है. अब कोई भी अगर आपको बोलेगा कि ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर बोलिए क्या होगा. आप उसको बोलेंगे सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है ना, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो. मतलब ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल ए सी डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. इसमें साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रोपोर्शनल का मतलब जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे ना, अगर इसका रेशो 1/2 आ गया, इसको और इसका भी रेशो 1/2 आएगा, इसका और इसका भी रेशो 1/2. एंगल ए हमेशा पी के बराबर, क्यू बी हमेशा क्यू के बराबर, सी हमेशा आर के बराबर. दिस इज ऑल अबाउट योर सिमिलैरिटी. यही है आपकी सिमिलैरिटी, बाकी मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा.